हेलो बच्चों, मैं दीप्ति शर्मा आज आपको कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र पढ़ाऊँ। इसके पहले अपन ने लेखा शास्त्र की गुणात्मक विशेषताएं पढ़ी थी, है ना। अब अपन पढ़ेंगे लेखा शास्त्र के प्रकार एवं शाखाएं। तो लेखा शास्त्र के कितने प्रकार होते हैं और शाखाएं। तो लेखांकन के कार्यों के लिए आपको उनको कार्यों को सफल बनाने के लिए आपको लेखांकन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। लेखांकन के कार्य को सफलतापूर्वक संपादन करने के लिए विभिन्न प्रकार के लेखांकन प्रकार विभिन्न प्रकार के जो लेखांकन होते हैं उनकी शाखाओं की क्या होती है, शाखाओं का विकास किया गया है और उनकी अपन को लेखांकन में आवश्यकता होती है। तो पहला है वित्तीय लेखांकन, फाइनेंस एंड अकाउंट। दूसरा है लागत लेखांकन। तो वित्तीय लेखांकन विभाग के कार्य, व्यवसाय और लेन देन का नियमानुसार लेखा करना, मतलब जो वित्तीय लेखांकन होते हैं उनका कार्य व्यवसायिक लेन देनों के लिए नियमानुसार लेखा करना, वर्गीकरण करना, परीक्षा सूची बनाना और इसके पश्चात लाभ हानि खाता एवं स्थिति विवरण बनाकर लेखांकन अवधि में लाभ हानि ज्ञात करना और व्यवसाय की स्थिति को प्रकट करना व्यवसाय के हित में रखने वाले लेखांकन सूचकांक देने वाले के लिए आवश्यक एवं व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहले ये पढ़ा बेटा अपन ने लेखांकन की प्रकार में सबसे पहले है वित्तीय लेखांकन। अब दूसरा है बेटा लागत लेखांकन। लागत मतलब लागत लेखांकन विभागों के मतलब जो विभाग होते हैं उनके कार्य को संस्था द्वारा उत्पादित उत्पादक सेवाओं की कुल लागत प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए ज्ञात करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लागत का निर्धारण करना। तो लागत लेखांकन में इसका मुख्य उद्देश्य लागत का निर्धारण करना, लागत करना और निर्णय हेतु सूची का संप्रेषण करना। तो लागत लेखांकन में जो उत्पादित या उत्पाद वस्तु सेवाओं की कुल लागत, तब जो वस्तु उत्पादित की गई है उनकी कुल लागत क्या है, प्रति इकाई लागत क्या है, इसे ज्ञात करने के लिए लागत लेखांकन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फिर तीसरा है बेटा प्रबंधी लेखांकन, जो प्रबंध व्यवस्था करे। प्रबंधी लेखांकन का विभाग कार्य लेखांकन और सूचना प्रस्तुत करना होता है। किसी व्यवसाय की क्रिया की योजनाएँ बनाना, तब अपन जब कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसकी योजना बनाना, तो उसे क्या प्रबंधन, जो प्रबंधक होता है उसका प्रबंध कौन करता है। किसी कार्य को मतलब किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले अपन को प्रबंध की आवश्यकता होती है ना, कि प्रबंधन कैसा हो, है ना। तो व्यवसाय की क्रियाओं को योजनाएँ बनाना, नियंत्रण करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं क्या, प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय निर्णय के लिए लेखांकन आंकड़ों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रबंधकीय लेखांकन विभिन्न तकनीकों और अवधारणाओं का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। फिर है पांचवा, चौथा है कर लेखांकन। कर लेखांकन का कार्य व्यवसाय का कर निर्धारण करना, लेखांकन के आधार पर आय एवं वस्तुओं एवं कर सेवाओं की गणना करना और उसमें वस्तुओं सेवाओं के कर मतलब GST की गणना करना। तो ये भी लेखांकन का एक प्रकार है। पांचवा है सामाजिक दायित्व लेखांकन, मतलब समाज के दायित्व होते हैं जो उनका लेखांकन विभाग कार्यों का व्यवसाय का समाज को प्रदान की जाने वाली, मतलब जो समाज है उनको जो सेवाएं प्रदान की जाती, सेवाओं को पहचानना, उनका मापन करना, उनके विषय में सूचना प्रदान करना, व्यवसायियों द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जैसे प्रमुख सेवाओं में होता है रोजगार प्रदान करना, वातावरण बनाना, वातावरण स्वच्छ रखने में मदद करना और ग्राहकों की संतुष्टि आदि, ये सामाजिक दायरे में आते हैं। मतलब जो समाज से संबंधी कार्य होते हैं, है ना। तो किसी को रोजगार प्रदान करना, किसी को कुछ भी मदद करने के लिए, तो ये होते हैं सामाजिक दायित्व लेखांकन। तो इनका लेखा जोखा लिखने के लिए एक लेखांकन में सामाजिक दायित्व लेखांकन प्रकार, सामाजिक दायित्वों के विभिन्न कार्य और व्यवसाय।
1.18 में आधारभूत लेखांकन शब्द बेसिक अकाउंटिंग है ना। तो लेखांकन के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेखांकन में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका अपना एक विशेष अर्थ होता है। लेखांकन में आप कुछ भी नहीं लिख सकते उसमें, मतलब लेखांकन के अंतर्गत ही आपको उसकी भाषा का ही उपयोग करना होगा। इन शब्दों के अर्थ में आत्मसात किए गए विषय का ज्ञान करना संभव है। लेखांकन के उपयोग में किए जाने वाले शब्दों का सबसे पहला है व्यावसायिक लेखन। तो लेखांकन का आधारभूत जो होता है लेखांकन शब्द होता है वो है व्यावसायिक लेन देन। मतलब दो पक्षों के बीच लेन देन किसके बीच में होता है, दो पक्षों के बीच में है। आप अकेले तो लेन देन कर नहीं सकते, इसके लिए आपको पर्सन एक व्यक्ति और चाहिए जिससे आप क्या कर सको, लेना और देना। दो पक्षों के बीच में होने वाला मुद्दा माल या सेवाओं का आदान प्रदान व्यवहार लेन देन या सौदा कहा जाता है। व्यापारिक सौदे के रूप में हो सकते हैं, जैसे माल खरीदा, माल बेचा, व्ययों का भुगतान जो अपन व्यय किए उनका भुगतान किया, दान देना, बैंक में रुपए जमा करना, बैंक से रुपए निकालना आदि। ये व्यवहार नगद व उधार हो सकते हैं। मतलब जो अपन लेन देन है वो मौखिक मतलब नगद भी हो सकते हैं और उधार भी किया, चलो भाई हम बाद में देंगे, तो उसे कहते हैं उधार। ऐसे व्यवहार ऐसे में मुद्रा का नकद अथवा बैंक के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है, इसे नकद व्यवहार कहा जाता है। जो व्यवहार जो अपन बैंक से आदान प्रदान करते हैं, बैंक के माध्यम से करते हैं, उसे नकद व्यवहार कहा जाता है। ऐसा व्यवहार मुद्रा का आदान प्रदान तत्काल नहीं किया जाता वरन कुछ समय बाद किया जाता है, इसे उधार या साख का कहा जाता है। तो ये पहला हो गया आपका, फिर है पहला हो गया व्यावसायिक लेन देन, दूसरा हो गया पूंजी कैपिटल है ना। तो व्यापारी द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया नगद धन माल या संपत्ति को क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। तब कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए व्यापारी के द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से जो लगाया गया नगद धन या माल संपत्ति या पूंजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में से ऐसा भी कह सकते हैं बेटा, धन का वह भाग पूंजी कहा जाता है जो पुनः धन प्राप्त करने व उद्योग के विनियोजित किए जाने पर और संसाधनों में पूंजी जुटाने की भूमिका पर होती है। लेखांकन की दृष्टि में व्यापार एवं व्यापारी जो लेखांकन की दृष्टि होती है, मतलब लेखांकन की दृष्टि से अगर लेखांकन की दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार एवं व्यापारी दोनों का अस्तित्व कैसा होता है, पृथक होता है। मतलब व्यापारी का भी अपना एक अस्तित्व होता है और व्यापार का भी अपना एक पृथक अस्तित्व। यही कारण है कि व्यापारी व्यापार का प्रथम लेन देन बन जाता है। व्यापार की कुल संपत्ति योग के योग बाहरी दायित्वों के योग को घटा देने पर शेष संपत्ति का योग पूंजी है, इसलिए पूंजी को व्यापार में शुद्ध मूल या शुद्ध संपत्ति भी कहा जाता है। तीसरा है आहरण। आहरण मतलब निकालना, किसी व्यवसाय से निकाली गई रकम है ना, इसे कहते हैं आहरण। व्यवसाय के में स्वामी द्वारा निजी प्रयोगों के लिए व्यवसाय से निकाली गई रकम या वस्तु या व्यवसाय के कोष में किया गया निजी भुगतान आहरण कहा जाता है। फिर होता है दायित्व लाइबिलिटीज। व्यापार में व्यापारी दोनों पक्षों का सहयोग लेता है, सहयोग के बिना व्यापार संभव नहीं। आप कोई भी चीज़ का कार्य का दायित्व ले लें तो बिना सहयोग के कोई भी कार्य संभव नहीं है। व्यापारी को छोड़कर व्यापार में जिन पक्षों में धनराशि चुकानी होती है उसे कुल राशि के व्यापार या दायित्व या देय धन कहा जाता है। फिर दायित्व के भी विभाजन होते हैं है ना। तो पहला है स्थायी दायित्व और दूसरा है चालू दायित्व, तीसरा है सहयोगी दायित्व। तो स्थायी दायित्व जो में स्थायित्व होता है, व्यापार के ऐसे दायित्व जिसमें स्थायी
चालू दायित्व। चालू दायित्व व्यापार में ऐसे दायित्व जिनका निकट भविष्य में भुगतान आवश्यक होता है वो क्या कहलाते हैं, चालू दायित्व कहलाते हैं। जैसे लेन देन, बैंक देय विपत्र, अल्पकालीन ऋण आदि, ये सब क्या है, चालू दायित्व होते हैं। फिर संयोजित दायित्व होते हैं, ऐसे दायित्व जो भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं, उन्हें समायोजित या आकस्मिक दायित्व भी कहते हैं। जैसे भुनाए गए विपत्रों का दायित्व, न्यायालय में लंबित प्रकरण वाले, और पूंजी क्षतिपूर्ति दावे आदि। क्षतिपूर्ति से मतलब किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जो अपन खर्चाना वगैरह देते हैं उसमें, है ना। फिर होते हैं संपत्ति। संपत्ति व्यापार की ऐसी वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहयोग प्रदान करती हैं, जिन पर व्यापार क्या होता है, स्वामित्व होता है, व्यापार की संपत्ति कही जाती है। संपत्ति मतलब व्यापार की ऐसी वस्तुएं जो व्यापार के संचालन में क्या करती हैं, सहयोग प्रदान करती हैं, और जिन पर व्यापार का स्वामित्व होता है तो व्यापार की संपत्ति कही जाती है। तो संपत्ति के उस धनराशि में शामिल किए जाते हैं। संपत्ति का विवरण भी नियमानुसार दो है, स्थायी संपत्ति या मूर्त संपत्ति, दूसरा चालू संपत्ति और तीसरा है अमूर्त। तो व्यापार के स्थायी प्रयोग में वस्तु और भूमि भवन आदि, मतलब जो स्थायी संपत्ति होती है वो कौन कौन सी होती है, भूमि भवन आदि जो होती है वो स्थायी संपत्ति कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जो व्यापार के संचालन में सहयोग हेतु क्रय की जाती हैं और पुनः विक्रय के लिए व्यापार की स्थायी संपत्ति कही जाती है। भूमि भवन, फर्नीचर, मशीन, प्लांट आदि ये सब क्या है, स्थायी संपत्ति है। और चालू संपत्ति जो रोकड़, सेस, बैंक, शेष व्यय, विपत्र आदि। व्यापार में अस्थायी प्रयोग से जिन वस्तुओं का अल्पकालीन होता है, तब उनका उपयोग अल्पकालीन होता है तथा परिवर्तनीय होता है, उसे चालू संपत्ति कहा जाता है। फिर है अमूर्त संपत्ति। व्यापार में लाभ अर्जन करने के लिए संपत्तियों का सहयोग प्राप्त होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो कहलाती है अमूर्त। अमूर्त जो दिखाई नहीं देती, जैसे ख्याति, गुडविल, है ना, व्यापार की प्रतिष्ठा। मतलब व्यापार की प्रतिष्ठा को क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। ख्याति व्यापार की अमूर्त संपत्ति है। फिर है आगम। व्यापारिक क्रियाओं के प्रतिफल स्वरूप व्यापार को प्राप्त होने वाली राशि को आगम कहते हैं। मतलब जो व्यापारिक क्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप, मतलब प्रतिफल स्वरूप अपन को व्यापार से प्राप्त होने वाली जो अपन जो व्यापार करते हैं उसे जो प्राप्त होती है धनराशि, उसे क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। जैसे माल के विक्रय से प्राप्त राशि आगम हो गई, सेवाओं और विक्रय से प्राप्त राशि को अपन आगम कह सकते हैं, है ना। व्यवसाय के विभिन्न प्रतिदिन व्यवसायिक क्रियाओं से आगम से उत्पत्ति होती है, इसकी आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। अपन कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो अपन को डेली पर डे आगम प्राप्त होती है, है ना। तो आगम मतलब, आगम से मतलब होता है बेटा अपन को राशि प्राप्त हो, है ना। तो खर्च उसके बाद होता है। खर्च व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया भुगतान खर्च कहा जाता है। मतलब कोई भी व्यवसाय होता है, अगर अपन कोई भी व्यवसाय करेंगे तो उसको लाभ प्राप्त करने के लिए पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, पूंजी व्यय करनी पड़ेगी, तभी तो अपन व्यवसाय शुरू कर पाएंगे ना। जैसे संपत्ति, माल और सेवाओं का चुकाया गया मूल्य, मतलब अपन कोई संपत्ति खरीदते हो तो उसका चुकाया गया मूल्य, अथवा कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका सेवाओं के बदले में अपन को जो चुकाया गया वो किसका कहलाते हैं, खर्च। खर्च को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, तो पूंजी खर्च और आयगत खर्च। तो सबसे पहले रहेंगी पूंजी खर्च। स्थायी संपत्ति को खरीदने, लाने व उसकी स्थापना में किया गया खर्च पूंजीगत खर्च कहा जाता है। पूंजीगत खर्च की आवृत्ति बार बार नहीं होती तथा इसे व्यापार की लाभ अर्जन क्षमता में वृद्धि होती है। तब जो अपन स्थायी संपत्ति ले लेते हैं, भवन, मशीनरी और जो भी है ना, तो भवन
खर्चे, ऐसे लेखे अवधि में किए गए ऐसे खर्च जिसमें मिलने वाला लाभ उस अवधि की सीमित होते हैं, तो आयगत खर्चे कहे जाते हैं। ऐसे व्यवहार व्यवसाय की लाभ अर्जन शक्ति बढ़ती नहीं है, वरन इन कार्यों में लाभ अर्जन क्षमता को बनाए रखने में मदद मिलती है। तो ये आयगत खर्चे हो गए, एक ऐसे लेखे की अवधि जिसमें किया गया ऐसा खर्च जिससे मिलाने में लाभ उस अवधि तक सीमित होता है, जिसे आयगत खर्चे कहा जाता है। फिर होता है व्यय, एक्सपेंसेस। व्यय आगम हेतु निर्मित, मतलब जो आगम होती है ना, उसको निर्मित की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए चुकाई गई धनराशि को व्यय कहते हैं। जैसे कच्चे माल का क्रय, क्रय विक्रय पर दिया गया भाड़ा, ईंधन, किराया, ब्याज आदि। फिर होता है आय, आगम तथा व्यय की अंतर राशि की आय कही जाती है। कुल आगम राशि से किए गए कुल व्यय की राशि को क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसके बाद प्राप्त जो राशि प्राप्त होती, अंतर राशि प्राप्त को ही आय कहते हैं। हम निम्नानुसार इसे व्यक्त कर सकते हैं, तो आय इनकम, आगम रेवेन्यू, व्यय एक्सपेंसिव, हानि उसके बाद है हानि। अगर अपन कोई व्यवसाय शुरू करेंगे तो उसमें आय भी है, लाभ भी है, हानि भी है, है ना। किसी व्यवसाय में हानि दो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होती है, एक तो एक निश्चित अवधि में व्यवसाय के व्यय का आगम अधिक को सूचित करती है। उदाहरण के लिए किसी व्यवसाय की एक विशेष अवधि में कुल आगम 50,000 रुपये है तथा कुल व्यय 60,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये की हानि हुई। दूसरे अर्थ में व्यवसाय की संपत्ति का दुर्घटना में नष्ट हो जाना, चोरी हो जाना आदि कारणों से होने वाली हानि को सूचित किया जाता है। फिर है लाभ, व्यवसायिक क्रिया के कारण जब आगम व्ययों की तुलना में अधिक है तो अंतर राशि पर लाभ कहा जाता है। इस प्रकार लाभ किसी व्यवसाय की एक विशेष अवधि में किए गए व्यवसायिक लेन देन के परिणाम की सूची होता है। फिर क्रय या खरीद, व्यापार हेतु माल खरीदने को क्रय कहते हैं। तब जब कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो अपन उसका माल खरीदते हैं, तो व्यापार हेतु माल खरीदने को क्रय कहते हैं। क्रय दो प्रकार का हो सकता है, नगद क्रय तथा उधार। माल को क्रय करते समय माल की कीमत का भुगतान कर दिया जाता है, इसे नगद क्रय कहा जाता है। किंतु यदि कीमत का भुगतान नहीं किया जाता तो उसे उधार क्रय कहा जाता है। तो क्रय या खरीदी, व्यापार हेतु माल खरीदने का क्रय कहते हैं। क्रय दो प्रकार का हो सकता है, नगद क्रय मतलब अपन जो नगद पैसा देकर खरीदते हैं, है ना, क्रय करते हैं, कैश परचेसिंग, और उधार कर, क्रेडिट परचेसिंग। माल को क्रय करते समय जब माल की कीमत का भुगतान कर दिया जाता है तब इसे नगद क्रय कहा जाता है, किंतु यदि कीमत का भुगतान नहीं किया जाता तो उसे उधार क्रय कहा जाता है। तो नगद क्रय कैश परचेसिंग और उधार कर क्रेडिट परचेसिंग होता है। तो क्रय या खरीद, तब क्रय को अपन खरीद भी कह सकते हैं। उसके बाद है बेटा आपके लिए लेनदार। ऐसे व्यक्ति, फर्म, संस्था जो माल और सेवाओं का मूल्य नगद नहीं देते उसे व्यापार का लेनदार, ऋणी या अधर्म कहलाता, अधर्मण कहलाता है। व्यापार का कर्जदार या ऋणी व्यापार। फिर है प्राप्तान। किसी व्यवसाय में देनदार को विपत्र से प्राप्त होने वाली राशि को प्राप्ताय कहते हैं, है? फिर ऐसा है लेनदार। तो ऐसे व्यक्ति, फर्म या संस्था जिनमें माल और सेवाएं उधार प्राप्त की जाती हैं, व्यापार का लेन देन ऋण का प्रण कहा देता।
आशय व्यवसाय द्वारा वह व्यक्ति को भुगतान करें। हम माल उधार खरीदते हैं, विक्रय करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? लेनदार। कुछ लेनदार उधार विक्रय के बदले में विपत्र लिखते हैं जिसका हम भुगतान करने की स्वीकृति देते हैं। इन्हें देय विपत्र कहा जाता है। मतलब कोई वस्तु को उधार ले रहा है तो उसको अपन देय विपत्र देते हैं, उसे देय विपत्र मतलब उसे एक पत्र में लिखकर भुगतान करने की स्वीकृति देते हैं। देय विपत्र की दायता देयताएं कहा जाता है और चिट्ठी के दायित्व के पक्ष में इसे दर्शाया जाता है। फिर है बच्चों आपका गृह कार्य है, तो पहला है लेखांकन की शाखाओं के नाम। आपको लेखांकन की शाखाओं के नाम लिखना है, प्रकार की कितनी होती है? तीन। फिर संपत्ति से क्या आशय है, दायित्व किसे कहते हैं, ये सब आपको लेखांकन में लिखना है। मतलब जो है उनके उनके शब्दावली हैं। तो दायित्व किसे कहते हैं, पूंजी से क्या आशय है और लेखांकन की को परिभाषित कीजिए। ये आपके प्रश्न हैं बेटा, छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये दो दो नंबर के मार्क्स प्रश्न हैं। ये आप कॉपी में लिखोगे और क्या करोगे, याद करोगे। धन्यवाद।